देर इज अन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं कंसाइनमेंट जिन जिन बच्चों के बिजनेस है ये अडॉप्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में सो so, कंसाइनर कौन होता है कंसाइनर वो बंदा होता है जो गुड्स भेजता है अपने एजेंट को सो so, एजेंट को अपने गुड्स भेज रहे हैं बेचे नहीं है आपने बिल्कुल सही बात बोली सो so, हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बढ़िया होंगे तो बच्चों वेलकम बैक टू आवर चैनल योर ओन चैनल शुद्ध देसी कॉमर्स तो एज प्रोमिस्ड अब हम बीकॉम की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं वैसे तो पूरी बीकॉम की सीरीज 50 टू 60 परसेंट ऑफ चैप्टर्स आर अवेलेबल विद अस बट उस प्लेलिस्ट थोड़ी अभी अधूरी थी क्योंकि बीकॉम लेवल के जो चैप्टर्स थे वो उसमें अभी नहीं थे सो एज प्रोमिस्ड अब हम बीकॉम के जो चैप्टर्स बाकी रह गए हैं वो भी आपके साथ शेयर करके आएंगे शेयर करेंगे ठीक है तो बच्चों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकीएस्ट चैप्टर एज पर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स ये बोलते हैं सर कंसाइनमेंट अकाउंट से बहुत डर लगता है बट आज के बाद बिल्कुल भी डर नहीं रखेगा क्योंकि जैसे मैं पहले पढ़ाता था, था आपको जैसे हम पहले आपको पढ़ा, आपको पढ़ा के चलते थे वैसे अभी भी नॉर्मल हर चीज बेसिक लेवल से स्टार्ट एक स्टोरी की तरह समझ के चलेंगे ठीक है सो so, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं बच्चों कंसाइनमेंट अकाउंट्स है सो so अगर एक चीज मैं आप सबसे पूछ के कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंसाइनमेंट अकाउंट्स तो जैसे कि आप मैंने हमेशा आपको बताया हुआ कि कोई वर्ड समझना है ना तो एक वर्ड से ही एक चीज निकालने की कोशिश किया करो उन दोनों जो सेंटेंस है उसमें से वर्ड्स निकालने की कोशिश किया करो कि कहना क्या चाह रहा है तो ये जो कंसाइन वर्ड होता है ना बच्चों ये एक वर्ड से बना होता है जिसको हम बोलते हैं कंसाइन ठीक है ना कंसाइनमेंट एक वर्ड है कंसाइन से बना हुआ है और मोस्ट ऑफ यू इफ यू विल सर्च ऑन गूगल व्हाट विल यू फाइंड इज कंसाइन का मीनिंग होता है टू सेंड टू सेंड समथिंग समथिंग टू समी ओके मतलब कि किसी को कुछ सेंड करना उसको हम बोल के चलते हैं कंसाइन consign करना कंसाइनमेंट करना और अकाउंट्स का मीनिंग तो आप सबको पता है अकाउंट्स का मीनिंग होता है हिसाब किताब मेंटेन करना तो अगर इन दो वर्ड्स को मैं आपस में जोड़ दूं कि किसी को कुछ हमने सेंड किया किसी को अभी मुझे नहीं पता क्या है कौन है वो किसी को और समथिंग समथिंग भी मुझे नहीं पता क्या थिंग है तो किसी को कुछ सेंड करा है, उसका हिसाब किताब इसको हम बोल के चलते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट्स बच्चों चैप्टर खत्म यही है बस इस चैप्टर में ठीक है तो अब एक स्टोरी के साथ समझते हैं कि ये कंसाइनमेंट अकाउंट्स हमें पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी और ये बंदा एक ये वाला जो टॉपिक है ये एक बिजनेसमैन एक ऑनर एक कंपनी का ऑनर ये क्यों अडॉप्ट करना चाहेगा मेन चीज ये हमेशा पढ़ के चलो कि ये जो मैं चैप्टर पढ़ रहा हूं उसका यूज क्या है ये क्यों आया यूज में कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा बच्चों जिसने बनाया हुआ है ठीक है ना तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं ये है मिस्टर राम ठीक है ये है मिस्टर राम मिस्टर राम का प्यारा सा चेहरा बना देता हूँ हालांकि मेरी ड्राइंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी ठीक है ना तो ये है हमारे मिस्टर राम ठीक है तो मिस्टर राम का एक बहुत अच्छा व्यापार है टी शर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग का व्यापार है दिल्ली में व्यापार है मैं दिल्ली भी लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो उनका दिल्ली में बहुत अच्छा व्यापार है टी शर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करने का टी शर्ट सेल करते हैं बट एक दिन वो बैठे हुए थे तो कोई अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स उनके पास आए तो वो कहते हैं कि मिस्टर राम क्यों ना आप अपना जो ये व्यापार है क्यों ना आप अपना ये जो बिजनेस है ये दूसरी स्टेट्स की जो सिटीज हैं फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ कहता क्यों ना आप अपना ये व्यापार लखनऊ में भी स्प्रेड कीजिए तो मिस्टर राम कहते हैं कि यार मेरा मन तो है और मेरे अंदर कैपेसिटी भी है कि मैं एक्सपैंड करूं बट यार प्रॉब्लम एक है कि मैं रहता हूं दिल्ली में लखनऊ में कौन संभालेगा मेरा काम लखनऊ में मैं अपना मटेरियल कैसे पहुंचाऊंगा कौन उसकी देख रेख करेगा कौन उसको सेल करेगा ये चीज़ सोचता हूं तो मैं घबरा जाता हूं इसलिए मैं कहता हूं दिल्ली में अगर मेरा काम है तो वो बहुत है तो अकाउंटिंग प्रोफेशनल मिस्टर राम को समझा के चलते हैं कि सर देर इज अन्सेप्ट देर इज जिसको हम बोलते हैं कंसाइनमेंट और बच्चों आज मैं आपसे समझा के चलूंगा कि ये क्या है और आप इसको अपनी जिन जिन बच्चों के बिजनेस है ये अडॉप्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में ये अच्छा कॉन्सेप्ट है और आजकल ये कंसाइनमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा है ठीक है ना तो अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स मिस्टर राम को ये बोल के चलते हैं मिस्टर राम मान लीजिए आपने अपना व्यापार बढ़ाना है लखनऊ में ठीक है तो ये हो गया हमारा लखनऊ लखनऊ का है बच्चों लखनऊ इज अ कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश वो यूपी में पड़ता है लखनऊ तो कहता है एक यहां पे अपना बंदा होगा ठीक है मैं इसके भी चेहरा बना लेता हूं इसका थोड़ा सा डिफरेंट बना लेता हूं ठीक है सो ही इज अ मैन हीज नेम इज मिस्टर शाम ओके लेट अस नेम इट मिस्टर शाम सो मिस्टर शाम विल बी अ पर्सन इन लखनऊ और उस बंदे को काफी नॉलेज है उस लखनऊ की मार्केट की अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स बोल रहे हैं मिस्टर राम को मिस्टर राम एक ऐसा बंदा ढूंढिए जिसको उस लोकल मार्केट की बहुत नॉलेज हो क्योंकि बच्चों एक ऐसा बंदा ढूंढ लिया जिसको ऐसे ही कोई बंदा उठा लिया लखनऊ में जिसको आप अपना माल वगैरह भेज रहे हो कि भाई मेरा आगे माल भेज दे तो उसका कोई फायदा नहीं होता तो हमें मिस्टर श्याम मिले जिनको लखनऊ की मार्केट की बहुत नॉलेज है उनको हमने अपॉइंट करना है एज अ एज अ एजेंट ओके और जितना भी मिस्टर राम दिल्ली के मार्केट में तो मिस्टर राम बैठे हैं बात आई है लखनऊ की मार्केट में तो मिस्टर राम मिस्टर शाम को अपना एजेंट बना लेंगे ठीक है ना तो इसको क्या बोल के चलेंगे मिस्टर राम जितना भी अपना मैन्युफैक्चरिंग करेंगे टी शर्ट्स उसका स्टॉक भेजेंगे मिस्टर शाम को लखनऊ में एक वर्ड मैंने यूज करा है भेजेंगे बेचेंगे नहीं भेजेंगे देर इज अ डिफरेंस बिटवीन भेजना एंड बेचना अगर मैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करूं, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंसाइनमेंट एंड सेल्स कंसाइनमेंट का मीनिंग होता है कि अपना जो गुड्स है आप एक जगह से अपने एजेंट दूसरी जगह पे अपने एजेंट को भेज रहे हैं और उसको ये बोल रहे हैं कि यार मेरा माल बिकवा दे अब बच्चों मुझे एक चीज बता के चलो कोई भी ऐसे ही काम करेगा क्या नहीं यार हर कोई फ्री में काम करने के लिए नहीं बैठा तो यू हैव टू गिव अकाउंटिंग प्रोफेशनल मिस्टर राम को बोल रहे हैं मिस्टर राम जो मिस्टर शाम आपका माल बिकवाएंगे ना लखनऊ की लोकल मार्केट में उसके लिए वो क्या चार्ज करेंगे उसके लिए वो कमीशन चार्ज करेंगे आपसे तो बच्चों एक चीज मुझे बता के चलो मिस्टर राम का मेन एम क्या है टू अर्न प्रॉफिट मानते हो इस बात को और मिस्टर शाम का मेन एम क्या है कमीशन उनका मेन एम है समझ में आई ये बात कि नहीं आई हां जी सर समझ में

दिल्ली से लखनऊ दैट मीनस मेरे जो गुड्स हैं वो मेरे एजेंट के पास चल पड़े हैं और इसमें एक चीज जरूर याद रखना ये भेजे हैं, बेचे नहीं हैं अभी ठीक है अब बताओ बच्चों जितना मैंने अभी तक आपको लेक्चर बताया है मैं रेड पेन आप से आपसे पूछता हूं कि टू सेंड समथिंग टू समबड़ी ये क्या था टू सेंड समथिंग बच्चों इस समथिंग का मतलब था गुड्स गुड्स सेंड करना टू समबड़ी कौन था इस सम बड़ी का मतलब था आपका एजेंट को इसको बच्चों हम बोलते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट्स मैंने मिस्टर राम ने गुड्स सेंड कर दिए हैं मिस्टर शाम को अब सारा हिसाब किताब बनेगा कितने के गुड्स मैंने सेंड किए हैं कितने के मिस्टर शाम ने गुड्स आगे बेचे हैं क्या जितना भी सारा हिसाब किताब बनाएंगे उसको हम बोलते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट्स में

ये हमारे कस्टमर ओके okay. इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है इतनी बात समझ में आ गई अब मुझे यह बताओ कि इन सब को एक चीज और इंक्लूड होती है इसमें एक्सपेंसेस। मिस्टर राम को भी कुछ एक्सपेंसेस खर्च कुछ खर्चा करना पड़ता है कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं और मिस्टर शाम को भी इस प्रोसेस में कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं अब वो एक्सपेंसेस कौन क्या कब देगा उस पर चर्चा हम बाद में करेंगे पहले ये चर्चा करते हैं कि कौन कौन से एक्सपेंसिस पे करने पड़ते हैं ठीक है अब मैं एक हेडिंग बना लेता हूं एक्सपेंसिस <coughs> की एक्सपेंसिस सो so बच्चों कौन कौन से एक्सपेंसिस होते हैं याद करो कि आप जब डिलीवरी मंगवाते हो अमेजोन से अमेजोन पे आजकल हर कोई अमेजोन से या फिर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से शॉपिंग करता है तो एमेजोन जिस दुकानदार को ऑर्डर देती है कि यार ये कस्टमर के घर पहुंचाना है तो वो सीधा गुड्स ऐसे ही आ जाते हैं आपके पास नहीं सर बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं उसमें वैसे ही मिस्टर राम जब मिस्टर शाम को गुड्स भेजेंगे जो कि उनका एजेंट है जब उनको कंसाइनमेंट भेजेंगे अब थोड़ा शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू हो जाओ क्योंकि अब मैं कंसाइनमेंट बोलूंगा तो घबराना नहीं सर ये कंसाइनमेंट क्या होता है आपको समझ में आ गया तो मिस्टर राम मिस्टर शाम को जब कंसाइनमेंट भेजेंगे तो उसके पीछे बच्चों थोड़े बहुत खर्चे इन्वॉल्व होंगे उस खर्चों पे चर्चा करके चलते हैं तो मिस्टर राम का पहला खर्चा क्या होगा बच्चों मिस्टर राम का पहला खर्चा होगा मटेरियल की कॉस्ट बिल्कुल सर ये तो होना बिल्कुल है जितने का मटेरियल उनको पड़ा जितने की कॉस्ट आई वो तो एक्सपेंसेस का पार्ट होगा ही ना बच्चों हां जी ठीक है उसके बाद बच्चों क्या मटेरियल को सीधा ऐसे ही भेज देंगे लखनऊ नहीं सर मटेरियल को प्रॉपर पैक करके भेजेंगे ताकि ट्रांसपोर्टेशन में जाते हुए उनको कोई प्रॉब्लम ना आए तो बच्चों इसमें पैकिंग चार्जेस भी आते हैं ठीक है हर चीज मैं ऐसे समझा के चलूंगा जो आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि सर ये चीज हमारे लिए नहीं है कुछ भी आपके लिए नया नहीं होने वाला ओके और उसके बाद मुझे बताओ बच्चों जैसे हमने पैक कर दिया गुड्स को तो उसको लोडिंग भी तो करवाएंगे ट्रक में लोडिंग एक्सपेंसेस होते हैं लोडिंग एक्सपेंसेस को आप फिर उसके बाद दिल्ली से लेकर लखनऊ तक ऐसे ही पहुंच जाएंगे जैसे चुटकी बजाई पहुंच गए ऐसा नहीं होता सर ट्रांसपोर्टेशन ट्रक वगैरह जिससे भी वो जा रहे हैं वो वाले चार्जेस भी लगते हैं तो बच्चों इसको मैं बोल सकता हूं लोडिंग लोडिंग बोल सकता हूं ठीक है इसको मैं ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड बोल सकता हूं और इसको आपकी भाषा में फ्रेड भी बोल सकते हैं तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है ठीक है और बच्चों बीच में कभी कभार मान लीजिए ट्रक जा रहा है मुझे डर लगा हुआ है भगवान ना करे अगर दिल्ली से लखनऊ ट्रक जा रहा है तो अचानक से अगर उसका एक्सीडेंट हो गया तो मैं कहां जाऊंगा मेरा तो जितना माल है वो सारा वेस्ट हो जाएगा जितना मटेरियल है वो मेरे को नुकसान हो जाएगा तो इसके लिए बच्चों आजकल इंश्योरेंस चलते हैं इस इंश्योरेंस को बोल के चलते हैं ट्रांजिट इंश्योरेंस ट्रांजिट इंश्योरेंस ये बोल के चलता है भगवान ना करे अगर आपका ट्रक पलट जाता है कुछ भी हो जाता है आपके माल को नुकसान हो जाता है मटेरियल जो आप टी शर्ट भेज रहे हैं पैक करके उसका क्लेम आपको मिल जाएगा बच्चों मुझे फटाफट से बता के चलिए जब भी इंश्योरेंस हम लेते हैं तो उसका क्या पे करना पड़ता है सर प्रीमियम पे करना पड़ता है तो ट्रांजिट इंश्योरेंस ये भी तो खर्चे का पार्ट हुआ कि नहीं हुआ बिल्कुल हुआ सर ट्रांजिट सॉरी oh, मैंने ट्रांजिशन लिख दिया ट्रांजिट इंश्योरेंस ओके ट्रांजिट इंश्योरेंस ठीक है है ये हो सकता है। और सर ड्यूटीज वगैरह कुछ टैक्स वगैरह भी हो सकते हैं इसके अंदर ठीक है है वो भी एक्सपेंस का पार्ट ड्यूटी एंड टैक्स ठीक है और बच्चों इसमें अदर एक्सपेंसेस भी आ सकता है ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई हां जी सर ये बात क्लियर हुई तो मुझे फटाफट से एक चीज बता के चलो कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं किसके मिस्टर राम से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं वो मैंने आप सभी के स्क्रीन के सामने लिख दी समझ में आई इतनी बात के नहीं आई तो क्या सर मिस्टर शाम के भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं अगर उसके एक्सपेंसेस हो सकते हैं तो कौन से एक्सपेंसेस हो सकते हैं क्या सर मिस्टर शाम उनको पे करके चलेगा क्या सर वो मिस्टर शाम के एक्सपेंसेस होने चाहिए बहुत सारे डाउट्स हैं तो उसको एक एक करके लेते हैं याद रखिएगा मिस्टर श्याम एक एजेंट है छोटू सा एजेंट है जो हमारा माल बिकवा रहा है लखनऊ की मार्केट में तो बच्चों इसमें मैं हेडिंग दे देता हूं अब हम बात करते हैं मिस्टर शाम के एक्सपेंसेस की ओके सो मिस्टर शाम के एक्सपेंसेस बच्चों कभी कभी क्या होता है कि अब डेली से लेकर लखनऊ तक बाय फ्लाइट बोल लो ठीक है ना बाय ट्रक बोल लो बाय फ्लाइट का एग्जाम्पल दे दो तभी मैं उससे रिलेट कर पाऊंगा कभी कभार क्या होता है फ्लाइट पे पहुंच गया एयरपोर्ट पे पहुंच गया लखनऊ के तो अब मिस्टर शाम को अपनी दुकान जो बना रखी है जहां से वो मटेरियल बेचेगा मिस्टर राम का वहां तक भी तो लेके आना है ना यार वो गुड्स तो उसके भी ट्रांसपोर्टेशन हो सकते हैं उसके भी अनलोडिंग अब उन्होंने तो लोडिंग करवाया अब अनलोडिंग के भी तो चार्जेस लगेंगे तो वो चार्जेस किसको पे करने पड़ेंगे मिस्टर शाम को तो इनका कौन सा हो सकता है अनलोडिंग बोल सकते हैं ठीक है और क्या बोल सकते हैं इसको ट्रांसपोर्टेशन बोल सकते हैं ओके एंड कभी कभार uh, कोई ड्यूटी वगैरह पे करनी पड़ जाती है वो भी हो सकता है बिल्कुल ड्यूटी हो सकती है अब मिस्टर शाम ने गडाउन बना रखा हो मान लीजिए उन्होंने वेयर हाउस ले रखा है गडाउन बना रखा है बच्चों उसका रेंट देना पड़ता है तो वो भी मिस्टर शाम की पॉकेट से जाएगा वो एक्सपेंस हो गए ये बच्चों एक्सपेंस पढ़ लो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं पहले से ही बोल रहा हूं मैंने स्पेशली एक क्लास इसलिए बनाई है मैं सीधा जर्नल एंट्रीज करवा सकता था बट मैंने कहा नहीं आपको पहले पूरा एक ओवरव्यू दू ताकि जर्नल एंट्रीज आपको ऐसे बनना शुरू हो जाएंगे मुझसे ठीक है और बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूं जैसे एक प्लस के बच्चे को समझाते हैं ठीक है ना तो ड्यूटी हुई रेंट हुई गडाउन को संभालने के लिए कोई मैनेजर रखा हुआ है या फिर कोई बंदा रखा हुआ है उसको सैलरी देनी होती है वो भी मिस्टर शाम की पॉकेट से जाएगा ठीक है ना ये तो बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहा हूं हर चीज आपको और, और इसमें क्या हो सकता है सर इंश्योरेंस ट्रांजिट इंश्योरेंस होता है सर कोई गडाउन का इंश्योरेंस भी सर गडाउन के जो गडाउन है जो वेयर हाउस है उसके माल में सर आग लग गई जहां पे मटीरियल रखा होगा बिल्कुल वो इंश्योरेंस का प्रीमियम जो होगा उसका खर्चा वो भी जा सकता है उनकी पॉकेट से और सर अदर एक्सपेंसिस ठीक है ना अदर एक्सपेंसिस ठीक है याद रखना जब सेल्स अराइज होती है ये जो कमीशन है ना मैं रेड पेन से लिख देता हूं इसको ये देखिए जो कमीशन है ये कब बात करेगा मिस्टर राम कहेगा मिस्टर शाम कमीशन की अभी कोई बात मत करियो मिस्टर शाम कहेगा क्यों मिस्टर राम कहेगा कमीशन की तभी बात करेंगे जब तू सेल्स करेगा और बच्चों एक्चुअल में भी यही होता है सेल्स के बाद कमीशन मिलती है ना पहले थोड़ा कमीशन लेके बैठ जाएगा ठीक है तो प्लीज इस चीज पे गौर करना ठीक है तो बच्चों अब क्या हमने दोनों के एक्सपेंसेस देख लिए मिस्टर राम के ये पर्टिकुलर एक्सपेंसेस है और मिस्टर शाम के भी ये एक्सपेंसेस है अब आओ अपने एक क्वेश्चन पे सर मिस्टर श्याम तो एक छोटा मोटा एजेंट है वो अपनी जेब से थोड़ी ना देगा सर ये आपका आंसर बिल्कुल सही है मोस्ट ऑफ द केसेस में द एक्सपेंसेस मेरी वर्डिंग्स पे ध्यान देना प्लीज द एक्सपेंसेस विच इज बियर्ड और विच इज गिवन और विच गोज आउट फ्रॉम द पॉकेट ऑफ मिस्टर शाम फ्रॉम द पॉकेट ऑफ एजेंट वो वाले एक्सपेंसिस जो हैं अल्टीमेटली मिस्टर राम को ही बियर करने पड़ेंगे मिस्टर श्याम तो एजेंट है उसका वर्क क्या है भाई माल मेरे पास आया है मेरे प्रिंसिपल का और वो माल मुझे बिकाना है उस पर मुझे मिल जाएगी कमीशन कभी कभार ऐसे ऐसे खर्चे भी देने पड़ जाते हैं तो ये खर्चे अल्टीमेटली किस पे बियर करेगा ये बियर करेगा मिस्टर राम आपने एक वर्ड सुना है कौन सा रिमबर्समेंट का हाँ कंपनी मतलब में हम जैसे कंपनी के खर्चे से जाते हैं अभी तो मैं पे कर रहा हूं बट ये मैं कंपनी वालों को बिल दिखा के रिमबर्स कर लूंगा कंपनी वालों से ये मैं पैसे ले लूंगा वैसे ही मिस्टर श्याम बोल रहा है कि चल ठीक है अभी मैं अनलोडिंग ड्यूटी रेंट सैलरी इंश्योरेंस के पैसे दे रहा हूं बट ये मैं वापस ले लूंगा मिस्टर राम से एक वर्ड यूज करेगा ये मैं वापस रिमवर्स करवा लूंगा मिस्टर राम से तो बच्चों ये चीज समझ में आई कि नहीं आई हाँ जी सर समझ में आ गए तो अब इसके बाद क्या होगा ये सारे एक्सपेंसेस हो गए और इनका माल बेच दिया मिस्टर शाम ने मिस्टर राम का माल बेचा किसको कस्टमर को बेच दिया और फिर इसको मिलेगी क्या मिलेगा उसपे इसको मिलेगी कमीशन ओके okay. इसको उसपे कमीशन मिलेगा अब इसका फ्लो कैसे बनता है वो समझना बच्चों अब मैंने यहां पे आपको क्या बताया कि जो कस्टमर है उसने मिस्टर शाम को पैसे दिए होंगे क्योंकि मिस्टर मिस्टर शाम ने मिस्टर राम का माल बेचा है तो अब मुझे बात बता के चलो आपके पास टू केसेस हैं। पहला केस पहला केस ये है कि मिस्टर शाम जो मान लीजिए अमाउंट आई है चार लाख रुपए की चार लाख की अमाउंट आई है मिस्टर शाम के पास कस्टमर को सेल्स करके तो मिस्टर शाम क्या करेगा मिस्टर शाम मिस्टर राम के पास जाएगा और कहेगा मिस्टर राम को पैसे भेजेगा और कहेगा लो सर आपके चार लाख रुपए और सर बाकी ये जो मैंने खर्चे करे हैं ना ये सारे खर्चे प्लीज मुझे काट के मेरे वाले वापस दे दो पैसे ये जो मैंने खर्चे करे हैं मुझे इसके जो पैसे हैं वो वापस कर दीजिए क्या ये करेगा नहीं या ये करेगा सेकेंड ऑप्शन या ये करेगा कि जैसे ही कस्टमर से चार लाख रुपए आए वो बड़ा इंटेलिजेंट निकलेगा मिस्टर शाम वो क्या कहेगा कहेगा भैया ये सारे अपने खर्चे निकाल लेता हूं काट लेता हूं प्लस और क्या काटेगा अपनी कमीशन भी इसमें से काट लेगा कमीशन काटेगा और एक्सपेंसेस काट के जो भी पैसा बचेगा वो देगा भैया उनको किसको मिस्टर राम को ये एरो यहां पे बनाता हूं वो देगा मिस्टर राम को बच्चों इसी में ही भलाई है उसके लिए सोच के देखो कैसे क्यों क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे दे ये देखो ताकि फर्स्ट ऑप्शन क्या था कि चार लाख रुपए मुझे रिसीव हुए वो सीधा मिस्टर राम को दिए फिर मिस्टर शाम मिस्टर राम को फोन करेंगे भाई मेरे इतने खर्चे हुए हैं प्लीज उसको रिमवर्स करो फिर वहां से पैसा आएगा ये नहीं करता वो पहले से ही इतना पैसा उसको दे के चलता है जिसमें से अपने एक्सपेंसेस और कमीशन माइनस हो चुका हो उसके बाद क्या होगा बच्चों उसके बाद होगा मिस्टर <coughs> राम क्या देखेंगे मिस्टर राम ये चीज दे के चलेंगे कि मैंने पैसा कितना लगाया एक प्रोडक्ट पे और वापस मुझे कितना मिला और उसके बेसिस पे क्या डिसाइड करेंगे वेदर इट इज अ प्रॉफिट और लॉस समझ में आया है कि नहीं आया दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट ये होके चलता है पूरा कंसाइनमेंट अकाउंट का प्रोसेस मिस्टर राम ने मैं एक समरी दे देता हूं मिस्टर राम ने भेजा ठीक है यहां से मिस्टर राम ने भेजा मिस्टर शाम को जिसको हम कंसाइनमेंट बोलते हैं थोड़े बहुत खर्चे उनके हुए जिनको टेंशन रहेगी भाई मिस्टर राम ने खर्चे देने हैं थोड़े बहुत खर्चे मिस्टर शाम को हुए इसकी टेंशन किसको रहेगी मिस्टर राम को रहेगी मिस्टर शाम कहेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मैं तो ये रिमवर्स करवा लूंगा और जैसे ही कमीशन की बात कब करेंगे कमीशन की बात तब करेंगे जब सेल्स हो जाएंगे उससे पहले मिस्टर शाम चुप करके सिर्फ सेल करेगा और जैसे ही सेल्स का पैसा आ जाएगा तो क्या वो पूरे पूरे पैसे मोड़ देगा मिस्टर राम को नहीं सर अपने एक्सपेंसेस कट करेगा प्लस अपनी जो कमीशन जिसके लिए वो काम कर रहा है वो कट करके मिस्टर राम को दे देगा मिस्टर राम के हाथ में पैसे आ जाएंगे देखेंगे मैंने कितना पैसा लगाया और कितना पैसा मेरे पास आया उसके बेसिस पे वो देखेगा कि मेरे को लखनऊ अपना माल भेजना मटेरियल भेजना सफल रहा कि नहीं रहा अगर प्रॉफिट हुआ तो सफल रहा अगर लॉस हुआ तो असफल रहा ठीक है बच्चों अब थोड़ी बहुत चीजें हैं नोट डाउन प्लीज करेंगे मेरा मेन मकसद यही था कि आपको अच्छी से सारी चीजें समझा दूं एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया अब थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं जो मैं आपको नोट डाउन करवाऊंगा प्लीज सब मेरे साथ लिखें और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहने वाले हैं सो प्लीज वन बाय वन मैन मेरे साथ लिखेंगे ठीक है सो पॉइंट नंबर वन लिखेंगे हु इज अ कंसाइनर पहले लिखेंगे उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा ठीक है

बच्चों इंग्लिश से ही समझ में आ गया होगा इतनी तो सबकी इंग्लिश स्ट्रांग होती है सो कंसाइनर कंसाइनर कौन होता है? वो बंदा होता है है वो बंदा जो गुड्स भेजता है अपने एजेंट को सो so, इस केस में कौन हुआ ये दूसरे पेन से लिख देते हैं इस केस में कंसाइना हुआ मिस्टर राम समझ में आई ये चीज के नहीं आई हाँ जी सर समझ में आ गई ठीक है नेक्स्ट डेफिनेशन लिखेंगे प्लीज देखो बच्चों अब आपको अच्छे से सारा विदाउट स्किपिंग विदाउट स्किप करके पूरा वीडियो देखना है क्योंकि मैं देखो करवाने को सीधा डेफिनेशन और जनरल एंट्रीज करवा सकता था बट मेरा मेन मकसद ये था कि अच्छे से समझ लो इसलिए आप लोगों के लिए मैं पूरी अच्छे से मेहनत कर रहा हूँ और आपका फर्ज़ ये है कि प्रॉपरली सारी वीडियो देखनी है एक एक मिनट इसका कीमती है ठीक है ना सो so, इसका आता है सेकेंड कंसाइनी फटाफट से बता दो यार ये चीज़ तो बताने की जरूरत ही नहीं है सो कंसाइनी बंदो कौन बच्चों कौन होता है कंसाइनी होता है द पार्टी

ये प्रिंसिपल होता है और ये एजेंट होता है तो मुझे फटाफट से बताओ इस केस में एजेंट कौन है सर ये रहा, सर ये मिस्टर श्याम इज अ एजेंट ओके बात समझ में आई कि नहीं आई हाँ जी सर आ गई थर्ड पॉइंट लिखो विच इज इंपॉर्टेंट पॉइंट द ऑनरशिप द ऑनरशिप ऑफ Goods remain with the consignor. बिल्कुल सही बात बोल रहे हो सर सर ये कोई सेल्स थोड़ी ना हो रही है हम इंग्लिश समझ गए सर आपकी सर मिस्टर राम ने मिस्टर श्याम को सेल्स थोड़ी ना की है कैसी बातें करते हो आप सर ये तो नॉर्मल एक एजेंट को अपने गुड्स भेज रहे हैं बेचे नहीं है आपने बिल्कुल सही बात बोली क्या कि द ऑनरशिप ऑफ गुड्स रिमेन विद द कंसाइना अंटिल अंटिल इट इज सोल्ड द कस्टमर बिल्कुल जब कंसाइनी के पास गुड्स पड़े हैं, उसके पास सिर्फ पोजेशन पड़ी है ऑनरशिप नहीं पड़ी ऑनरशिप किसके पास है या जब कस्टमर को सेल करोगे तब तो उसकी ऑनरशिप हो जाएगी ना पैसे दिए भाई उसने ठीक है ना तो ये चीज समझ में आई है कि नहीं आई हाँ जी सर ये चीज समझ में आ गई है एक और वर्ड पढ़ेंगे प्लीज प्रफोर्मा इन सर ये क्या चीज होती है सर काफी बार सुनी तो है देखो बच्चा परफॉर्मा इन वॉयस इज अ टाइप ऑफ इनवाइस ये एक तरीके का इनवाइस होता है बट ये इनवाइस नहीं होता ये एक पेपर होता है ये एक एक तरीके का पेपर होता है जो मिस्टर राम सेंड करता है किसको मिस्टर शाम को जिसके अंदर गुड्स की गुड्स की इंफॉर्मेशन होती है कि भैया इतने गुड्स मैं तुम्हें सेंड कर रहा हूं उसको हम बोल के चलते हैं परफॉर्मा इन ठीक है ना इसमें सारे अगर मैं आपको इसमें लिखवाना चाहूं तो ये लिखवाऊंगा कि परफॉर्मा इनवाइस के नाम से घबराना नहीं है परफॉर्मा इनवाइस होता है जिसमें सारे पर्टिकुलर्स होते हैं पर्टिकुलर्स का मतलब समझते हो पर्टिकुलर्स मतलब कि भैया कितने वेट के गुड्स हैं, कौन कौन से गुड्स हैं, कौन कौन सा मटेरियल है, सारा कुछ कंसाइनी को भेज देता है लिख के भेज रहा हूं ये है, चेक कर लियो इसके हिसाब से तू कंसाइनी को बोल रहा है कंसाइन ठीक है ना सो so है इसके बाद अगला पढ़ते हैं पॉइंट फिफ्थ पॉइंट अकाउंट्स अकाउंट्स सेल्स सर ये क्या ओके चलता है सर सेल्स अकाउंट्स की नहीं समझ में आया सर जो कंसाइनर होता है वो कंसाइनी को क्या भेजता है वो भेजता है सर प्रोफोमा इन और जो कंसाइनी होता है जो कंसाइनी होता है ओके okay, एक सेकेंड एक सेकेंड <coughs> जो कंसाइनी होता है वो कंसाइनर को क्या भेजता है सर वो भेजता है उंट सेल्स ठीक है एक सेकेंड वो भेजता है अकाउंट सेल्स सर अब ये क्या बीमारी है बच्चों अकाउंट सेल्स का मतलब हो क्या चलता है जब कंसाइनर ने कंसाइनी को माल भेजा और कंसाइनी ने उसको आगे सेल कर दिया तो सारा हिसाब किताब तो देना पड़ेगा ना कंसाइनर को मालिक तो मिस्टर राम है ना मिस्टर शाम थोड़ी ना मिस्टर शाम को मिस्टर राम को इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी ना कि भैया कितने के गुड्स भी के कितने के मैंने मैं मिस्टर श्यामन के बात कर रहा हूं तुम लोगों से कितने के मैंने गुड्स बेचे कितने के मैंने उस पर खर्चे किए ड्यूटी रेंट सैलरी वाले खर्चे जो लिखे हुए हैं और कितनी मैंने उसमें कमीशन काट ली अपनी और कितने मैं आपको भेज रहा हूं और कितने गुड्स बैलेंस रह गए जो मैं आपको भेज दूंगा ये सारी इंफॉर्मेशन जो एक कंसाइनी consigne, कंसाइनर को देके चलेगा ये एक पीस ऑफ पेपर पे दी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों अकाउंट सेल्स समझ में आई है बात नॉर्मल कुछ भी नहीं है सर कुछ भी नहीं है बहुत ईजी है तो सब बच्चे प्लीज मेरे साथ लिखेंगे अकाउंट सेल्स क्या होता है इट कंटेंस इट कंटेंस इंफॉर्मेशन किस किस चीज की इंफॉर्मेशन सेल्स मेड बाय कंसाइनी ओके okay. और कौन सी इंफॉर्मेशन एक्सपेंसेस डन बाय हिम मैं कंसाइनी की बात कर रहा हूं ओके okay. और कमीशन अर्न बाय हिम कितने की कमीशन उसने अर्न करी और काट के पैसे भेज दिए कमीशन अर्न बाय हिम ओके एंड गुड्स बैलेंस कितना गुड्स का बैलेंस रह गया है? और इसमें यह भी होता है कि कोई पेमेंट भैया अभी आपको मेरे को और पैसे देने हैं ठीक है, है ना इसमें कभी कभार ये इंफॉर्मेशन भी होती है पेमेंट ड्यू

ये सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू uh, दे रहा हूं तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है सो so, इसमें एक और पॉइंट लिख दो समटाइम्स समटाइम्स कंसाइन कंसाइनी सॉरी मिस्टर श्याम कंसाइनी गिव्स सम एडवांस टू द साइना In form of cash or bill of exchange. अब ये क्या है सर बच्चों कभी कभार क्या होता है जैसे मिस्टर राम थे और मिस्टर श्याम थे तो मिस्टर राम उनको गुड सेल आ, सेंड करते हैं सॉरी सेल वर्ड सॉरी 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 सेल नहीं सेंड करते हैं ना मिस्टर शाम को तो मिस्टर शाम मान लीजिए मिस्टर राम ने मिस्टर शाम को आ, एक करोड़ के एक करोड़ चलो ज्यादा हो गया पचास लाख के गुड सेल आ, सेंड किए उनको तो मिस्टर शाम ना दो लाख रुपए तीन लाख रुपए एज एन एडवांस एक भरोसा बना रहता है ना यार देखो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि यार मिस्टर राम पैसे मांगेगा उसे ये व्यापार ऐसे ही चलता है अगर मेरा कोई एजेंट है अगर उसको मैं गुड्स सेंड कर रहा हूं लखनऊ में तो दो तीन लाख रुपए का वो थोड़ा मेरे को एडवांस में कैश दे देता है कि भाई हाँ तुम्हारे गुड्स मेरे पास आ आगे मैं बिकवा दूंगा चलो एक तरीके का एडवांस पकड़ लो तुम और मिस्टर शाम को भी कोई हर्ज नहीं है ये चीज देने में मिस्टर शाम कहेगा यार अस्सी जिस बंदे ने पचास लाख रुपए के मुझे गुड्स दे दिए अगर मैं उसको दो लाख का एडवांस में कैश

Adjusted, which will be adjusted against sale proceeds. बच्चों सेल प्रोसीड्स का मतलब होता है sales की जो amount है। तो इस पॉइंट को ऐसे समझ के चलो कि थोड़ा कंसाइनी consigne कंसाइनर को पैसे दे देता है कहता है यार अभी दो लाख ले लो जब माल बिकेगा ना उसमें हिसाब किताब कर लेंगे ऐसे बोलते हैं ना तो यही पॉइंट वो कह रहा है ठीक है तो ऑलमोस्ट बच्चों आपका सारा कुछ हो गया एक पॉइंट और लिख लो जो मैंने आपको समझाना था कंसाइनी ये मैं पहले से ही बता रहा हूं इन मोस्ट ऑफ द केसेस में इन मोस्ट ऑफ द केसेस में कंसाइनी समटाइम्स समटाइम्स स्पेंट एन अमाउंट जिसको हम कंसाइनी के एक्सपेंसेस बोलते हैं विच इज विच इज ये मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं इन मोस्ट केसेस री री इम्बर्स्ड बाय द कंसाइना ओके कहता कंसाइनी जितने भी हर मतलब मोस्ट ऑफ द केसेज पे जितना भी कंसाइनी एक्सपेंस ये जो मैंने आपको लिखवाया ना कंसाइनी एक्सपेंस करके चलता है तो वो कंसाइन है उसको रिमबर्स कर देता है कि हाँ यार तू तो मेरा एजेंट है तो ये चीज करके चलता है तो बच्चों ये फाइव सेवन पॉइंट्स थे जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आई होप आपने प्रॉपरली नोट कर लिए अगर प्रॉपरली नोट नहीं करे तो प्लीज एक बार कर लेना ठीक है एक चीज और मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये चीज आप प्लीज नोट कर लेना ये चीज़ ना आपके आगे हेल्प करेगी इसलिए मैं अभी बता के चलता हूँ बच्चों एक्सपेंसेस होते हैं अभी हमने ऊपर पढ़े हैं क्या क्या एक्सपेंसेस पढ़े हैं सर एक तो आपने कंसाइनर के एक्सपेंसेस पढ़ाए हैं ये वाले और एक आपने कंसाइनी के एक्सपेंसेस पढ़ाए हैं ठीक है ये तो पढ़ाए हैं मैंने मैं आपको वैसे ही दो वर्ड्स बता रहा हूँ बच्चों एक्सपेंसिज होते हैं दो टाइप्स के ये बात आप मानते हो कि नहीं मानते सर एक्सपेंसिव दो तो बहुत टाइप के होते हैं इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं ठीक है एक होते हैं हमारे पास रेकरिंग एक्सपेंसिस ओके रेकरिंग

आ जाओ मिस्टर राम के एक्सपेंसिस पे मटेरियल की कॉस्ट एक लॉट आपने मटेरियल बनाया उस पर जो कॉस्ट लगेगी कितनी बार लगेगी सर एक मटेरियल एक बार ही खरीदोगे ना बिल्कुल सर ये हो गया हमारा नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस पैकिंग चार्जेस जो एक लॉट है उस पर पैकिंग करने को कितने एक्सपेंसेस लगेंगे सर एक मटेरियल को एक बार ही पैक करेंगे ना बार बार थोड़ा एक्सपेंसिव उस पे लगाते रहेंगे तो वो भी हमारा कौन सा होगा नॉन

अब रेंट पे कभी कभार क्या होता है मिस्टर शाम ने जो मटेरियल मंगवाया है मिस्टर राम से और जो वेयर हाउस है जिसका रेंट दे रहे हैं जिसका किराया दे रहे हैं वो ना बिकता नहीं है तो एक महीना दो महीना तीन महीना चार महीना बिकता नहीं है तो वो मटेरियल ऐसे ही पड़ा रहता तो वेयर हाउस वाला रेंट तो लेगा ना यार तो बच्चों फटाफट से बता के चलो कि जो रेंट के एक्सपेंसिस है ये है है? Recurring, recurring है, ये है कि सर एक्सपेंसेस हैं हैं एक से ज़्यादा बार देने पड़ सकते सैलरी जो उस बंदा जो गडाउन संभाल रहा है गडाउन संभाल रहा है तो पूरे साल ही संभालेगा कि जब लौट आएगा बस वहीं पे बैठ जा करेगा ऐसा नहीं होता सैलरी बार बार रेकरिंग एक्सपेंसिस होकर चलते हैं इंश्योरेंस अगर गडाउन में कोई भी गुड्स पड़े हैं वो पड़े हैं पड़े हैं पड़े हैं है, है, एक साल दो साल हो गया तो भैया इंश्योरेंस का दोबारा देना पड़ेगा प्रीमियम अगले साल ये भी हमारे होते हैं रेकरिंग एक्सपेंसिस तो बच्चों बस ये चीज मैंने आज आपको समझानी थी आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया जर्नल एंट्रीज मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा इस लेक्चर में तो नहीं करा रहा तो स्टे ट्यून्ड फॉर फॉर दैट बिकॉज जर्नल एंट्रीज इतने अच्छे से समझ के चलेंगे जैसे आज का लेक्चर मैंने बिल्कुल आसान भाषा में रखा है एंड आई होप मैं आपको समझाने में कामयाब हो गया हूं सक्सेसफुल हो गया हूं कि आपको अब तो पता लग गया होगा अगर आपसे कोई पूछ के चलता है यार कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता है कहोगे ये सारा मतलब होता है कंसाइनमेंट ठीक है ना तो एक बार मैं आप सभी के सामने एक बार दिखा देता हूं कि आज का लेक्चर क्या था इफ आई एम एबल तो ये था बच्चों आज का आपका सारा लेक्चर आई होप कि यू कैन सी या ठीक है ना तो पहले हमने कंसाइनमेंट के बारे में कंसाइन का मैंने आपको क्लियर करा था उसके बाद आपके पास हमारे मैंने पूरा एग्जाम्पल दिया कि क्या सारी चीजें होके चलती हैं तो उसके बाद फिर मैंने आपको थोड़े बहुत पॉइंट्स लिखवाए थे ठीक है ना सो so, इसमें ये चीज़ें सिखाई थी हमने फिर पॉइंट्स पढ़ के चले थे कनसाइना कंसाइनी फिर मैंने ऑनरशिप के बारे में बताया परफॉर्म एन वाइज अकाउंट सेल्स में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है ये सारी चीज़ें फिर हमने एक्सप्लेन करी थी फिर मैंने आपको रखरिंग और नॉन रकरिंग एक्सपेंस के बता बारे में बताया था मेन फोकस बच्चों आपका काम ये है कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये अच्छे से एक और बार रिवाइज करना है क्योंकि अगर आप ये दिमाग में डालेंगे तभी जर्नल एंट्रीज़ आपको समझ में आएंगी और जर्नल एंट्रीज़ जो होएगी वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो आशा करता हूं बच्चों आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है अगर कोई भी डाउट है तो जरूर कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके पूछ सकते हैं आप एंड यू कैन ऑल्सो आस्क योर क्वेरीज ऑन इंस्टाग्राम यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन इंस्टाग्राम वहां हम रेगुलर अपडेट्स डालते रहते हैं तो बच्चों आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ये लेक्चर ज्यादा से ज्यादा बच्चे देख सके एंड अब रेगुलर रहेंगे बीकॉम के लेक्चर्स ठीक है बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग थैंक यू